Hello student, good morning. Yesterday I have explained the first of all rule of transformation, and that was to transform sentence by using adverb, removing adverb to. हमने कल adverb to को हटा करके वाक्य को सिंपल बनाने का प्रयास किया था. आज जो उसका जस्ट कंट्रास्ट रूल है to transform sentence by using adverb to, अर्थात adverb to का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना देखने का प्रयास करेंगे. The second most important rule of transformation is to transform sentence by using adverb to. By using adverb to. अब ये ग्रामर की भाषा में नियम रहेगा, वाक्य में आए हुए सो को टू एडवर्ब टू पे बदलते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इन्फिनिटिव टू और शेष भाग का प्रयोग होता है. अर्थात जो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हमने किया था उसको हम हटा देंगे. ऐसी कुछ करके रचना वाक्य की होगी. दूसरा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव है तथा दैट आई है तो ये फार मी में जाएगा, ये ही है तो फार हिम में, हर है तो सॉरी सी है तो फार हर, दे है तो फार दिम, ऐसी रचना रहेगी. तीसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में ओवर एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग है तो ट्रांसफॉर्म करते समय इन तीनों ही वर्ड्स को हटा देते हैं तथा एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग करते हैं. एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग करते हैं. मेहनत करिए, पढ़िए, पूरा जीवन दो प्रकार की मिठाइयों के बीच में है. स्पष्ट मैं मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा आपको. एक बार जब बच्चा पैदा होता है तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ती है, और जब व्यक्ति मर जाता है तो भी उसके मरणोपरांत जो भोजन व्यवस्था तो उस पर भी कुछ मिष्ठान बनता है. ये दोनों प्रकार के मिष्ठान वो बच्चा स्वयं नहीं खा पाता है, और दोनों ही प्रकार के मिष्ठान में व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है. मेहनत करते करते आगे बढ़ते बढ़ते और फिर पता चलता कि जीवन का तो अस्तित्व कुछ था ही नहीं. तो उसी प्रकार हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, क्योंकि हम जब तक रहना है मेहनत करना ही पड़ेगा. कुछ लोगों मन में बात आ रही होगी कि पढ़ाई क्यों आवश्यक है. पढ़ाई ही आवश्यक है, पुस्तकें ही हमारे सामने कोई चीज़ है उसको ठीक से समझने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है. पुस्तकें ही हमें ज्ञान देती हैं कि ये ठीक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है. पुस्तकों के आधार पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, इसलिए पुस्तकों को अनिवार्य रूप से पढ़िए. ऑलवेज टियर टॉर्न क्लॉथ्स बट ऑलवेज रीड न्यू बुक्स. आगे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करूंगा. एक्सरसाइज 2A पेज नंबर 53. ही सो लेजी
दैट ही कैन नॉट कीप पेस विथ यू. तो मैंने कहा था ये तो टू जाएगा, सो जाएगा टू में, यस दैट और इसकी बात मैं कर रहा था कि ये इन्फिनिटिव टू में जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है. तो ही इज टू लेजी. टू कीप पेस विथ यू. नेक्स्ट, इट इज टू हार्ड, इट इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन. तो वही नियम है, इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन. द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट. दैट इट कैन नॉट, दैट इट इज द बुक इज सो कॉस्ट दैट आई कैन नॉट बाई इट. आप देखेंगे ये आपकी पुस्तक निर्जीव है, आई आया है, तो कैसे बनाएंगे. द बुक इज टू कास्टली फॉर मी, ये परिवर्तन हुआ यहां पर, फॉर मी टू बाई. टू बाई इट नेक्स्ट, वन इज नेवर सोल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न. तो बनेगा वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न. इट इज सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट. जैसे इट इज टू हैवी टू लिफ्ट इट. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड दैट दिस लिटिल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व इट. तो बनेगा द प्रॉब्लम इज
टू कॉम्प्लिकेटेड, फॉर दिस लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व इट। ही इज क्रूवल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो बनेगा ही इज टू क्रूवल नेक्स्ट यू आर सो बिग दैट यू कैन नॉट वॉक बनेगा यू आर टू वीक टू वॉक। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय दिस वॉच। तो बनेगा ही इज टू पुअर टू बाय दिस वॉच। नेक्स्ट द माउंटेन इज सो हाई दैट नन कैन लिफ्ट नन कैन क्लाइम इट। That तो बनेगा the mountain is too high to climb it। Next it is excessively cold to banega it is too cold। That's all for this period। I have solved side number 2a in page number 53। In next video tomorrow, I would like to transform interchange of absurdity sentence into interrogative sentence। That's all for this period। If you have liked this video, please like and share। That's all।